देखिए, एक प्रश्न सबके मन में आता है कि माला में 108 मनिया ही क्यों होता है। अब तो 1008 भी करने लगे हैं लोग, वो तो ठीक है, पर सामान्य माला में कितनी मनिया होती है बताइए? 108 होते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि 108 मनिया ही क्यों होते हैं भाई, तो आपको उत्तर देना है कि वर्ण संख्या के अनुसार ब्रह्म में 108 संख्या हो जाती है। ब्रह्म गिना रहा हूं आपको, ब्रह्म में कितने अक्षर दिखाई पड़ रहे हैं आपको? 4, ब र ह म। व्यंजन की वर्णमाला में ब कौन सा अक्षर है आप जान रहे हैं? गिन के देखिए, क से गिनिए, कवर का 5 अक्षर, क क ग घ ङ, चवर का 5 अक्षर, चवर के 5 अक्षर, च च ज ज, तवर्ग 5 अक्षर, ट ट ड ढ ण, तवर्ग 5 अक्षर, त थ द ध न, और पवर के 3 अक्षर, प फ ब। कितने अक्षर हो गए बताइए? 23 हो गया। र इधर 25 कर लीजिए, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग 5 25 25, य र कितना हो गया? 27। 23 में 27 मिलाइए जरा नीचे के श्रोताओं, निर्दीदी आप चुप रही नहीं, तो लोग सेट किया है गुरु जी ने। 23 में 27 निकल कितना बच गया? 50। ह वर्णमाला के कौन सा जानते हैं? 25 उधर हो ही गए, य र ल व श ष ष ह। 25 और 8 कितना होता है? 33। और 50 पहले था, 50 और 33 कितना हो गया? 83। और म कौन सा अक्षर है व्यंजन का? 25वां। कौन सा अक्षर है? और 23 में 83 में 25 मिलाइए जरा जल्दी से, 83 25, 108। तो माला में 108 मनिया क्यों होती हैं? क्योंकि ब्रह्म की संख्या है 108।